हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनटी एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए नॉर्दर्न कॉलफील्ड लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, और यदि अगर आपने बीटेक भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। डायरेक्ट प्रोसेस है, सिंपल एक एग्जाम और आपका सिलेक्शन पक्का। अब पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, और एक ही बात हमेशा की तरह कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस डेली सुबह 7 बजे आप लेके आने लग गया हूँ। और हाँ, आपके लिए और भी वैकेंसीज है यदि अगर आपने ITI डिप्लोमा कर रखा है तो, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 2 प्लांट की वैकेंसी और एक आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से भी रिक्रूटमेंट अवेलेबल है। लिंक आपको मैंने आई कार्ड में दे दिया है, जाके मस्ट वॉच कीजिए और ये वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत खास होने वाला है। डिप्लोमा होल्डर के लिए तो चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है। दोस्तों, फर्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉर्दर्न कॉलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आपके लिए रिक्रूटमेंट है, जो कि मिनी रत्न कंपनी है, और ये है आपका वेबसाइट NCLCIL.in। और इसकी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये है 9 जनवरी 2024 से, ठीक। एंड आगे बात करते हैं तो नोटिफिकेशन नंबर की बात करें तो NCL HQ PD Manpower 2023-24 and 2022, जो कि आपके लिए पोजीशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है यहाँ पर, ये फर्स्ट है असिस्टेंट फॉरमैन, जिसमें ENT ट्रेनी ग्रेड सी, जिसमें आपसे मेट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड ट्रेड, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अवेलेबल है। सेकेंड अगर पोस्ट है आपका असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के लिए, जो कि ग्रेड सी में ही आते हैं, 10th+ मैकेनिकल डिप्लोमा विथ 3 ईयर्स। एंड थर्ड जो आप देख सकते हैं असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल, और ये भी आपके लिए 10th+ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल विथ 3 ईयर। शुरू करते हैं आगे की बात, और भी आप यहां पर देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो आपको दिया गया है ये है 5 फरवरी 2024। एंड नेक्स्ट अगर बात की जाए पोजीशन एंड वैकेंसीज़ की, तो ये आप फर्स्ट है आपका असिस्टेंट फॉरमैन ENT ट्रेनी, जिसमें आपसे कैडर जो है ENT है। एंड आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, 9 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। एंड सेकंड जो है मैकेनिकल के लिए है एक्सकेवेशन, तो एक्सकेवेशन वालों के लिए मतलब ये है खदान, वहाँ पर ही आपका एक साइट देखने को मिल रहा है, और ऑल ओवर वैकेंसीज 59 आपको देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल के लिए 2 साइट देखने को मिल रही है, एक्सकेवेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल E&M, जिसमें आपके 48 and 34 वैकेंसीज दी गई है। ऑल ओवर मान सकते हैं कि इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है, अलग अलग वैकेंसी के लिए हिसाब से आप तो फुलफिल एक ही वैकेंसी भरेंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 150 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। अब आगे बात करें तो आपके रिजर्वेशन सब कुछ आपको दे रखा है, तो एज़ पर द आपका जो रिजर्वेशन रहेगा वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं क्लैरिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो असिस्टेंट फॉरमैन है ENT, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर कर रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड लिखा है, मतलब मिनिमम आपके पास में डिप्लोमा होना ही चाहिए। एंड यदि आपके पास में हायर क्वालिफिकेशन भी है इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये वाली ही ब्रांच अप्लाई कर सकती है। इसके अदरवाइज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी ब्रांच के लिए कोई भी नॉट एलिजिबल दिया गया है, मतलब ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड बात करें आपके मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल का भी सेम क्राइटेरिया है, मैकेनिकल से डिप्लोमा डिग्री है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर प्रोडक्शन में है, ऑटोमोबाइल में है, थर्मल में, मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल मैकेनिकल की किसी भी अगर अदर ब्रांच में अगर आपने BTech या डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। थर्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल का है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिर्फ ये ही 2 ब्रांचेस है जो अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी आपके इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल पावर जितने भी ब्रांचेस है वो अप्लाई नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके ट्रेनिंग पीरियड की, तो ट्रेनिंग पीरियड फर्स्ट जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो मिनिमम आपका जो लेवल ग्रेड पे देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो ये आप देख सकते हैं मिनिमम आपका 47,330 रुपये पर मंथ बेसिक रहने वाला है। कैडर की बात करें तो आपका ENT तो है ही, और ट्रेनिंग जो आपकी रहेगी वो 1 साल की रहने वाली है, ठीक। एंड ग्रेड अगर ग्रेड ऑफ कैंडिडेट आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग होता है तो ये आपको मिलेगा असिस्टेंट फॉरमैन ENT ग्रेड सी। एंड सेकंड बात करें असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के लिए, तो मिनिमम आपका यहाँ पर भी 47,330 ये है, ऑल ओवर सभी के लिए 47,330 ही पेमेंट रहने वाला है। अब जो कि आपके मैकेनिकल की बात करें तो इसमें आपके लिए एक्सकेवेशन जैसा कि बता दिया है खदान इसी डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा, एंड 2 साल की इनकी ट्रेनिंग रहने वाली है मैकेनिकल के लिए। एंड थर्ड जो बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें एक्सकेवेशन एंड ENM 2 साइट्स है, और इसमें 2-2 साल की ट्रेनिंग होने वाली है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपका ग्रेड होने वाला है असिस्टेंट फॉरमैन का ही रहेगा।
और भी आपको यहाँ पे बेसिक पे के अलावा क्या क्या मिल रहा है, तो डीए मिलेगा, अटेंडेंस बोनस मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल फैसिलिटी, एंड इसके अलावा जो है आपको और भी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज लिमिट परमिसिबल है एज ऑन द आपका 5 फरवरी 2024 तक, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। सेकंड आपको एससी एसटी के लिए मिलेगा जो कि 5 साल के लिए है, और ओबीसी के लिए जो कि नॉन क्रिमिनल लेयर है, सेंट्रल लिस्ट है, तो ये इसमें आपका 3 साल का है। पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 साल है, पीडब्ल्यूडी नॉन क्रिमिनल ओबीसी के लिए है 13 साल, एंड 6 जो आप देख सकते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 15 साल एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अब एज एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी बड़ा एक देखने को मिल रहा है कि 1000 रुपये की फ़ीस रखी गई है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, ठीक, और जिसमें आपका 180 रुपये जीएसटी लग रहा है, तो टोटल आपका 1180 रुपये फ़ीस लगेगी और लगभग 1200 रुपये आपका फ़ीस यहाँ पे रहने वाला है, जबकि एस सी एस टी ई एस एम पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, तो ये आपको देख लेना है। सेलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 90 मिनट यानी कि आपका 1.5 घंटे का पेपर टाइम रहने वाला है, बस यही एक रहने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सेक्शन ए के अंदर आपके टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70, एंड सेक्शन बी के अंदर आपसे टोटल जो क्वेश्चन देखे जा रहे हैं 30, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस है ना, रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करें आपके टेस्ट सेंटर्स की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको जो टेस्ट सिटीज़ हैं मेंशन किया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन में, तो नियरेस्ट आपके जो भी पास में हो वो आप अप्लाई कर दें। और मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाइंग का अगर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 मार्क्स मैक्सिमम है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 50 मार्क्स और एस सी एस टी ई एस एम ओ बी सी पी डब्ल्यू डी के लिए 40 मार्क्स रखा गया है, तो ये मिनिमम तो रहता ही है, बट क्वालिफाई आपको अच्छे मार्क्स के साथ मेरिट में आना होगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो आप www.nclcil.in पर जाएंगे, करियर पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और यहाँ पर आप अपना पोस्ट क्वालिफिकेशन चेक करके आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, एंड फीस आपको पेमेंट कर देनी है, और स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर फोटो और जितने भी प्रोसेस सेम रहते हैं बिल्कुल एज इट इज ही है आपके लिए। एंड लास्ट यहाँ पर बात करें स्टार्टिंग डेट की, तो 15 जनवरी 2024 से ये फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्ट हो जाएगा, एंड क्लोजिंग डेट जो है 5 फरवरी 2024 तक बिल्कुल क्लोज हो जाना है। टेंटेटिव डेट और जितनी भी है सीबीटी और डिक्लेरेशन रिजल्ट का, ये सब आपको बाद में फर्दर ऑफिशियल साइट पर दे दिया जाएगा, ठीक। ये थी कुछ खास खबर जो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आई कार्ड में मैंने आपको प्लेलिस्ट दी है, एंड स्क्रीन पर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और भी वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। जय हिंद, जय भारत।